हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरी चैनल सुमन शर्मा ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग को शेयर करूंगी। आप लोग बताइए ये क्या है। वैसे मैं बता ही दूंगी, लेकिन आप लोग देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो खा चुकी है ना पहला स्टेप, तो मैं इसी का दूसरा स्टेप आपको दिखाऊंगी कि दूसरा भी बनता है कैसे करके। मैं अलग अलग हर तरह से आप लोगों को शेयर करूंगी। बहुत बनता है इसका पकौड़ा, पत्ते का, अरबी के पत्ते का। तो ये तो मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों को सिंपल तरीका। ये वो वाला जो दिखाई थी उसका भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से। तो ये है, मैंने भाप करके स्टीम करके रखी हुई थी काट के। तो मैं इसको दूसरे तरीके से बनाने आपको दिखा रही हूँ कैसे बनता है। आप लोग देखिए और बनाइएगा मेरी रेसिपी को। मैं सबको पतले पतले काट ली हूँ कुछ इस तरह से। बहुत अलग अलग से बनता है, मैं सब रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। जैसे बनाती हूँ वो सब शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये मैंने बेसन ली हुई है करीब, देखिए बड़ा चम्मच से, 3 चम्मच होगा। ये मेरे जो पकौड़े थे उस हिसाब से ली हुई हूँ। ये देखिए बड़ा चम्मच से 3 चम्मच है। अब मैं इसमें अच्छे से उसको छान ली हूँ। ये धनिया पाउडर है, मसाले जो डालूंगी सूखे मसाले, ये 1.5 चम्मच है। उसका बाद मैं डालूंगी जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। देखिए छोटा चम्मच है, उससे मैं ले रही हूँ। अरे खाने में अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अलग अलग इसका तरीका, मैं सब तरीका आप लोगों से शेयर करूँगी। मिर्च पाउडर है, तीखी वाली है, इसमें थोड़ा तीखा मिर्ची जाता है। पकौड़ा में कोई चीज़ का भी पकौड़ा बनाए उसका अलग ही टेस्ट आता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अब मैं इसको थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छे से वो तैयार कर लूँगी। हो सकते बनाते होंगे आप लोग, लेकिन मैं आप लोग से बताई ना, मैं जो बनाती हूँ आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो पहला स्टेप तो शेयर कर चुकी हूँ, ये उसी का दूसरा स्टेप है। आप लोग देखिएगा और जो जिनको नहीं आता होगा तो मेरे रेसिपी को आप लोग बनाइएगा। तो मेरे पास जो हुनर है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, और ज़्यादा मैं हार्ड नहीं दिखाती हूँ, इजी दिखाती हूँ। जो सबका घर में अवेलेबल होता है उसी से मैं बनाती हूँ। ये नमक है टेस्ट के हिसाब से, और सबको अच्छे से मैं मिला लूँगी। ना पतला बनाऊँगी ना मोटा बनाऊँगी इसको गाढ़ा, मैं इसका अपना हिसाब से, देखिए जो पकौड़ा है उसके हिसाब से ले लूँगी। और ये रिफाइंड ऑयल डाली हुई हूँ। अब मैं इसको, तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं इसको मीडियम फ्लेम में, देखिए कोई भी चीज़ को मीडियम फ्लेम में तलने से करने से जलने का वो नहीं होता है, अंदर तक क्रिस्पी बन जाता है। तो मैं इसे बनाती हूँ, देखिए अब मैं इसमें डाल लूँगी और तल लूँगी। आता होगा आप लोग को भी, लेकिन मैं बोली आप उससे कि मेरे को जो हुनर होता है मैं अपना शेयर करूँगी आप लोग से। जिनको नहीं आता है हो सकता है मेरा ये काम आ जाए और सीख ले। तो मैं ऐसे करके दोनों तरफ से इसको अच्छे से तल लूँगी। अगर मेरी वीडियो पे जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और मेरे वीडियो को देखा करिए आप लोग, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। यही बोलूँगी आप लोग से। देखिए मैंने इसको तल ली हूँ कुछ इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है ये भी खाने में, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सोचे मैं इसका दूसरा स्टेप भी आप लोग से शेयर कर दूँ। इसका बहुत अलग अलग बनता है, मैं सब करूँगी आप लोग से शेयर। ये पत्ते की, कच्चू के पत्ते की, इधर कच्चू बोला जाता है, हम लोग तरफ में अरबी बोला जाता है, तो वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और सबको मैं ऐसे तल लूँगी कुछ इस तरह से। मैंने प्लेटिंग की हुई है, देखिए ये सॉस है टोमेटो सॉस, तो इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा।